हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमरजीत सिंह कोहली द्वारा बला गांव में किया गया पौधारोपण, जिसमें उनके द्वारा 500 के करीब पौधे लगाए गए और साथ ही सभी को संदेश दिया कि पर्यावरण को अगर प्रदूषण मुक्त करना है तो सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अमरजीत सिंह कोहली ने अपना जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, जिसमें उनको अनेकों लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। आज आपने गांव बड़ा में स्कूल में जो पेड़ लगाए हैं और मास्टर जी ने भी आपको पूरे स्टाफ ने और पूरे बच्चों ने साथ दिया है, तो आप बेटियों पे और गुरु नानक देव जी के जो जन्म उपलक्ष्य पे पेड़ लगा रहे हैं उसके विषय में कुछ बच्चों को जागरूक करें और बच्चों को बताएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जितना भी स्टाफ है, गुरुजन है, उनको प्रणाम भी करता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने यहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें कहा। और मैं प्यारे बच्चों को भी तो ये कहना चाहूँगा कि आप हमारा भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं। आप हमारे बीच में ही थे, वो झांसी की रानी भी और कल्पना चावला जी के मार्गदर्शन में चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस गांव बड़ा के गर्ल्स स्कूल में आज हम पहुँचे हैं। पेड़ लगाने का मकसद हमारा ये है कि एक तो 550वां प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का जो चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हमने हल्के असंध में 5,500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। उसी की तर्ज पे आज गांव बड़ा में 550 वृक्ष लगाने का काम हमने किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं। आज पानी काफ़ी नीचे जा चुका है, उस पानी को देखते हुए भी हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए। आज जो बीमारियां फैल रही हैं पेड़ पौधे कम होने के कारण हैं कि पर्यावरण हमारा स्वच्छ नहीं है। उस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और गुरु नानक देव जी जो उपदेश दे के गए हैं कि हमें अपना कर्म करना है, उस प्रभु का नाम जपना है और एक अच्छे देश के नागरिक बन के इस देश के बारे में सोचना है, और हम देश के बारे में सोचते हुए उस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अपने अच्छे कार्य करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पहुँचने पर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पर्यावरण के बारे में बच्चों को जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी, आप जी स्कूल दे बच्चे बच्चों नू जड़ी सीख देने के लिए भाई साहब ने ये उपराला किया है और साथ में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पे जो उपराला चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को। ऐसा है, जो कोहली साहब ने जो उपराला किया है, ये 550,500 पौधे लगाने का, ये बहुत ही अच्छा है पर्यावरण के लिए। और 550वां जो गुरुपर्व आ रहा है गुरु नानक देव जी का, इस लक्ष्य को जो लेके इन्होंने कदम उठाया है, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत सराहनीय है। अध्यापक जी खड़े हैं बीच में, गुरु जी खड़े हैं, मैं उनसे एक और प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे गुरुओं ने क्या उपदेश दिए हैं, किस मार्ग पर चलने के लिए कहा है। इन जितने भी यहाँ पे गर्ल छात्र हैं उनका एक कंपटीशन रखा जाए, यहाँ पे गुरुओं के बारे में लिखें कि गुरु नानक देव जी ने हमें क्या करने के लिए कहा है, उन्होंने क्या क्या हमारे को उपदेश दिए हैं, हमें देश के लिए क्या करना है। गुरु नानक देव जी पे एक सभी छात्राओं से लेख लिख पाया, यही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। आज मैं कहना चाहूँगा, आज सबसे पहले तो पूरे हल्का वासियों को, प्रदेश वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वर्ष है गुरु नानक देव जी का, 550वां प्रकाश पर्व चल रहा है, उसी वर्ष को देखते हुए आज हमने गांव बड़ा के अंदर 550 वृक्ष लगाने का काम किया है। उसी तरह हम असंध हल्के को हरा भरा देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि असंध ही नहीं, पूरा हरियाणा एक हरियाली की तरफ बढ़े। और जो पर्यावरण की बात हम करते हैं, पर्यावरण मुक्त हमारा हरियाणा हो, उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री, पर्यावरण स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। और
प्रदूषण मुक्त हो, इस ताकि जो आज पानी की कमी हमारे को लग रही है कि पानी काफ़ी नीचे जा रहा है, तो उसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि पानी को भी बचाया जा सके और पर्यावरण हमारा स्वच्छ साफ सुथरा रहे। इसी तर्ज पर आज हम यहाँ पेड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि युवा जो नशे से पीड़ित हो रहे हैं उनके बारे में कुछ आप सुझाव बच्चों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के युवा जो हैं नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, मेरी उन सबसे प्रार्थना कि नशे से दूर रहें, खेल कूदों में ध्यान रखें और पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें, अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में और अपने माता पिता के और अपने परिवार के बारे में सोचें, तभी हम उन्नति की ओर चलेंगे, ऐसा मेरा युवाओं से प्रार्थना। गुरु नानक देव जी ने हमें हमारे को सभी को जो संदेश दिया था उसके बारे में आप एक बार सभी को। गुरु नानक देव जी ने हमें संदेश दिया है, मानुष की जात सब एक पहचान ले, सभी एक हैं, सब भाई हैं, सब कोई अलग नहीं है, सब आपस के हम एक पिता के सब बालक हैं, सब भाई हैं और मिलजुल कर रहे हैं। उन्होंने हमें उपदेश दिया है, उन्होंने कहा है कर्म करो और अपना वंड छको और नाम जपो, सिमरन करो। काशीराम जी, आप गुरु नानक देव जी के जन्म उपलक्ष्य पे आज आपने गांव का संयोग देकर वृक्ष लगवाए हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा जागरूक करें। गुरु नानक देव जी के जो पर्व के ऊपर हमारे गांव बला में अमरजीत कोहली ने लगभग 550 पेड़ लगवाने का जो लक्ष्य पूरा किया है उसके बारे में हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं जो हमारे अमरजीत कोहली जी है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पेड़ खुद बनकर खड़ा हो जाएं और जनता की सेवा करें। हम यहां पर आने के लिए अमरजीत कोहली का धन्यवाद करते हैं।